हेलो दोस्तों, मैं रोहन सौरे आज आपका इस यूट्यूब के वीडियो में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जैसे निफ्टी का जो पोजीशन है वो काफ़ी डाउनवर्ड जा रहा है डे बाय डे, क्योंकि मार्केट डे बाय डे लो पे लो बनाते जा रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है ये मैं अभी ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आप BTST करते हो तो आप प्रॉफिट में रहोगे, और कुछ आने वाले जो नतीजे 21 मई को, उसमें कई सारी अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं दोस्तों, जैसे फ्यूचर रिटेल है, GSPL है, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, उसके बाद हाईटेक गियर्स है, जस्ट डायल है, आयरलैंड FS ट्रांसपोर्टेशन है। दोस्तों, अगर आपको अच्छे खासे रिटर्न कमाना है तो आप जो सेक्टर का बेस्ट स्टॉक्स है वही चुनिए, जैसे फॉर एग्जांपल लार्सन एंड टुब्रो है, TCS है, इन्फोसिस है। आप दूसरे कोई भी स्टॉक्स मत चूज़ कीजिए, क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि ये वीकली गेनर है या डेली गेनर है या डेली लूजर है, ये अपर शेडो बना रहे हैं या लोअर शेडो बना रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको इंट्राडे में सफल होना है तो आपको देखना होगा कौन सा सेक्टर अप जा रहा है, कौन सा सेक्टर डाउन जा रहा है। अगर पूरा इंडेक्स डाउन जा रहा है तो आपको शॉर्टिंग में ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर पूरा इंडेक्स अप है, जैसे फॉर एग्जाम्पल निफ्टी अप है, तो आप बाई कर सके ले सकते हैं और उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और आपका जितना मार्जिन है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 20,000 कैपिटल है, तो आप उतना जो डिलीवरी में लिमिट मिलता है उतना ही बाय कीजिए, उससे ज़्यादा बाय मत कीजिए ताकि आपको लॉस ना हो। दोस्तों, अभी ऐसा है कि अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए जो स्टॉक्स अच्छा खासा डिविडेंड देते हैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने ₹12 का डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो आप उसको भी लॉन्ग टर्म बाय करके चल सकते हो। उसका अगर आप वीकली देखोगे तो उसने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 7% दिया है जिन लोगों ने बाय किया था रिजल्ट के पीरियड में। हालांकि मार्केट करेक्शन में स्टॉक ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म का व्यू देखना चाहिए। तो दोस्तों, इंट्राडे के लिए मैं आपको स्ट्रेटेजी यही सजेस्ट करूँगा कि पहले तो स्टॉक का देखिए ओपन और लॉस सेम है क्या, विद इन पहले 45 मिनट या 30 मिनट्स उसका लो ब्रेक करता है या नहीं। अगर नहीं ब्रेक करता है तो आप उसको इंट्राडे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। आपको अगर BTST टेक्निक जानना है तो आप दोपहर में 3 बजे के बाद investing.com साइट पे जाके देख सकते हो कौन से स्टॉक में वॉल्यूम आ रहा है, बाइंग आ रही है, ज़्यादा उसका प्राइस बढ़ रहा है गिरते हुए मार्केट में भी, तो आप उसको बिंदास BTST कर सकते हो। और अगले दिन जैसे 2% 3% आपको अच्छा प्रॉफिट होता है, आप निकल जाइए। लेकिन आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए 1% या 0.30%। ज़्यादा लालच करके कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि आप कैपिटल गंवा ही सकते हो। अब दोस्तों, रही बात ऑप्शन फ्यूचर्स की, तो उसमें आपको अगर परफेक्ट उसमें स्किल है तो ही आप उसमें ट्रेड कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी रिस्की प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, हेजिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं। अब दोस्तों, अगर आपको इंट्राडे में जानना है कि कैसे प्रॉफिट कमाते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट साइडवेज है या डाउन है, या अपर साइड में है, या बुलिश है या बेयरिश है, और जिगजैग मोमेंट है या कैसा। अब रिजल्ट्स की मैं बात करूँ तो 21 मई को कई सारी कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं दोस्तों। उसमें कुछ अच्छी खासी टॉप जो कंपनीज है वो मेरे रडार पे दोस्तों, एक नौकार कॉरपोरेशन है, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है, उसके बाद दोस्तों TTK प्रेस्टीज भी अच्छी कंपनी है जिसको आप बाय करके चल सकते हैं, उषा मार्टिन एक है, उसके बाद वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स भी है, AstraZeneca फार्मा भी है, 21 तारीख को रिजल्ट है इसके। उसके बाद 63 मोस्ट टेक्नोलॉजीज वॉल्यूम बाइंग वाला शेयर है, उसके बाद कोलगेट पामोलिव एक नंबर शेयर है दोस्तों 21 मई को, क्योंकि ये FMCG का टॉप गेनर होता है। उसके बाद दोस्तों DLF है जिसमें फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड होता है। उसके बाद दोस्तों आप CCL प्रोडक्ट्स भी स्मॉल कैप का शेयर है बाय करके रख सकते हैं डिलीवरी के लिए, जैसे आपको BTST में प्रॉफिट हो जाए आप वहाँ निकल जाइए। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था दोस्तों कि बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस बाय कीजिए, आपने देखा कितना अच्छी रैली आया उसमें, जैसे कि रिजल्ट आया तो स्टॉक काफ़ी ऊपर गया और उसके दूसरे दिन भी उसने